On one hand, Pak sponsor terrorist and speaking in Kashmir, and on the other, we will playing cricket match with Pakistan. Star Sports है भाई, कितनी बड़ी कंपनी हो के मौका मौके पे चौका पाकिस्तानी मारे और तुम्हारी जो मारी है ना वो फिर किस लेवल पे जा। कुछ भी कहने से पहले वीडियो पूरी देखना। तो मैं इससे पहले मतलब कि मैं इसे कुछ घंटे पहले या फिर ऐसा बोले एक दिन पहले जो कि ट्रेंड चल रहे थे, ट्रेंड फॉर यू में आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मौका एंड विराट कोहली बाबर आजम, मतलब के टॉप के जितने ट्रेंड आ रहे थे वो सारे के सारे क्रिकेट के ही आ रहे थे। और अब उन ट्वीट्स को देखेंगे जो कि मैच से पहले के थे, जो कि इंडियन फैंस की तरफ से किए गए थे, एंड उसके बाद देखेंगे हम दूसरे ट्वीट्स को जो कि बाद में पाकिस्तानियों की तरफ से किए गए। इस वीडियो का मकसद ट्रोल करना नहीं है किसी को भी कि आप मैच आ रही है, वो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है कि भाई मैच से पहले कभी किसी को कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं कहना चाहिए। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि भाई ये एक T20 फॉर्मेट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स रिव्यू अवर ट्वीट्स। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर ट्रेंड आ रहा है जो कि आपको पता है कि क्या क्या ट्रेंड चल रहे थे पाकिस्तान इंडिया में। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट का यहाँ पर ट्वीट है ये डेविड एलेक्स का, जो कि इंडिया रिलीज़ मौका वर्सेस आफ्टर मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। यस, ये चैम्पियन ट्रॉफी में या उससे पहले जब इन्होंने रिलीज़ किया था, अब इन्हीं पे मतलब कि वापस आ रहा है, भारी पड़ रहे हैं। मनीष सिंधवानी तो ये बोलते हैं आर यू रेडी बॉयज, इंडिया हस्बैंड वर्सेज पाकिस्तान वाइफ। भाई देख लो, मुझे इस कॉमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो अरे यहाँ पर एक और कमेंट है, पाकिस्तान टीम आफ्टर सीन इंडिया टीम स्ट्रेंथ। ये तो सब गंदे लोग हैं रे बाबा। हाँ भाई बिल्कुल, वो तो पता चल चुका है सबको कौन अच्छा है और कौन गंदा है, ओवर एफिशिएंसी नहीं मान। यहाँ पर आकाश हैं और ये कहते हैं जी हाउ एक्साइटेड आर यू फ्रॉम टुमारोज मैच। यहाँ पर धोनी हैं, रोहित शर्मा, उनके साथ बुमराह इस साइड, विराट एंड जडेजा, और बड़े होने की तस्वीर एंड छोटे होने की तस्वीर के धोनी ने साथ खिलाया था और अब यही के मेंटोर हैं। उसके बाद यहाँ पर कमेंट आता है भाई एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, पाकिस्तानी फैंस ब्रेकिंग देयर टीवी सेट्स एंड इज़ परमानेंट। अगर ये मैं बोलूँ कि इस बार आप लोगों ने फिर से टीवी तोड़े हैं, फिर बहुत पुरानी टीवी है, मतलब कि बहुत पुराने ये मैच की मुझे वो लग रही है, जो कि ये जो सब लोग करते हैं ना, ये जस्ट दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए करते हैं, इसको और कोई पर्पज़ नहीं होता। ये टीवी ले जाते हैं ये लोग कबाड़खाने से और इसे तोड़ते हैं, कोई पागल तो नहीं अपना ओरिजिनल जो सही टीवी है वो तोड़ेगा। और इधर देख लें, अगर आप यहाँ पर फेस इनके देखें, स्माइल्स, इस बंदे को स्माइल, ये स्माइल, ये स्माइल, ये स्माइल, ये सारे स्माइल भाई। सुबह एक और है यहाँ पर खुशहाल विजय, तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन इंडिया, दोज हु नो हिम, दोज हु डोंट वॉच क्रिकेट। हाँ भाई ये तो है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में फेमस है भाई, मौका अब फिर मौका अपने पे ट्रांसफ़र कर लो भाई। यहाँ पर ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, जमीयत पंजाब यूनिवर्सिटी, आर यू रेडी फॉर लिविंग एक्शन विद हॉट टी। भाई एक्शन का रिएक्शन थोड़ा बहुत चलता है यार, अब इतना भी नहीं है कि आप लोग जो भी बोलोगे पाकिस्तान का आगे रिएक्शन है, थोड़ा बहुत जाता है यार, अब थोड़ा बहुत तो जाना भी चाहिए। उसके बाद एक और कमेंट है यहाँ पर, सरेंडर ऑफ 16 दिसंबर 1971, और नीचे सरेंडर ऑफ 24 अक्टूबर 2021। ओके भाई, जिसकी वजह से आपने मार खाई है वो ये एफिशिएंसियाँ थी और ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आगे एहतियात रखना। चेतन बाबर आजम, इंडियन डोंट प्ले विद अस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग द मैच। ले कोहली कौन नहा दो क्या है, और किसने किसको हराया और कैसे हराया भाई। यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स है जो कि विराट कोहली को टैग करते हैं, लीडिंग अ चेस टू फिनिश अगेंस्ट पाकिस्तान एट द ICC चैम्पियन T20 वर्ल्ड कप। गूज बम्स हिट इफ यू हिट द मतलब के हर्ट आइकन, हिफ दिल हिट दिल, इफ यू थिंक इंडिया विल हिट अ मौके पे चौका, मौके पे छक्का नॉट अ चौका। तो भाई मौके पे चौका तो पाकिस्तान ने मार दिया है,
अब ये नया ट्रेंड बनाने की कोशिश में लगा हुआ है स्टार स्पोर्ट्स, लगा हुआ था, मतलब कि अब पाकिस्तानियों ने इन पर पानी फेर दिया यार, मौके पे छक्का, पाकिस्तान ने मौके पे छक्का मार दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 24 अक्टूबर ब्रॉडकास्ट 7 PM मैच स्टार्ट। अब सारा कुछ आगे लिखा हुआ है, हैशटैग दिए गए, नीचे एक वीडियो दी गई है जो कि यहाँ पर नहीं शो हो रही। यहाँ पर फिर से स्टार स्पोर्ट्स आ रहा है, इट्स नियरली टाइम फॉर द बिगेस्ट गेम ऑफ द ईयर एंड वी कांट कीप काम। ओके भाई, शोर मचाओ, जो दिल करता है वो करो। क्या इंडिया मारेगी? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मौके पे छक्का? नहीं भाई, गलत हो आप, पाकिस्तान ने मौके पे छक्का मार दिया, पाकिस्तान ने मौके पे अट्ठा मार दिया भाई। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रा है जो कि कंडीशन ऑफ पाकिस्तान PAXTN पाकिस्तान पाकिस्तान बॉलर्स को मारो, हमको मारो, हमको ज़रा हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, अल्टरनेटिव ले लो हाइड्रा भाई, अपने ऊपर ले लो, आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं। एक और है भाई, कहते हैं कि यहाँ पर एक और कमेंट जो कि मेंटोर MS धोनी एंड कैप्टन विराट कोहली इन दी प्रैक्टिस सेशन, थोड़ा बहुत फिसल जाते मुँह यार। HJS बेंगलोर, तो यहाँ पर ये कहते हैं, ऑन वन हैंड पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट एंड स्पीकिंग इन कश्मीर एंड ऑन द अदर वी विल प्लेइंग क्रिकेट मैच विद पाकिस्तान, इट्स टू पॉइंट इम्पोर्टेंट और द लिव ऑफ इनोसेंट सिटीजन एंड अवर सोल्जर्स। ये जो है ना, ये बंदा आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जवाब हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाइज मैं इस बंदे को कर सकता हूँ यहाँ पर, बट फिर यही बोलना चाहूँगा भाई, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रह के खेलो, पॉलिटिक्स में ना गुस्सा हो इसको, ठीक है? तो ये मौका पे चौका टेररिस्ट, टेररिस्ट कौन है भाई, कभी देखा है क्या? बात हो, आप भी छुपे हों, और बीजेपी सबसे बड़ी टेररिस्ट तो बीजेपी है। अगर आपको नहीं पता तो जाओ पहले बीजेपी के बारे में सर्च करो, यहाँ पर जो इस तरह से हाथ रखते हैं इसके बारे में सर्च करो ये क्या है। मैं ज़्यादा इसमें और बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह से कॉमेंट किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विनय पांडे कहते हैं जी, डियर क्रिकेट बस, कैन यू स्टॉप ट्रोलिंग देम, डोंट रीजिंग देयर फैन ऑफ नॉट अलाउड इन IPL। ओके भाई IPL खेलो ना खेलो, क्या यार, मतलब क्या यहाँ पर आपने क्या बताना क्या चाह रहे हो कि IPL कोई नहीं खेला हुआ मैचेस? बाबर आजम के यहाँ पर कैरियर बता रहे हैं जी, मैचेस कितने खेले हैं T20 और साथ में IPL भी दिया गया, खुद से ही दिया गया। क्रिकेट बस जो है ये इंडियन एक चैनल बोलें या फिर वेबसाइट है या फिर क्रिकेट के बारे में सब कुछ बताते रहते हैं यार। उसके बाद यहाँ पर जूनियर समर है, आई थिंक नाम से ही ले रहा हूँ, बॉयज़ आर ऑन दी वे। ओके भाई, वो बॉयज़ आर ऑन दी वे हो गया, सब कुछ पुराना हो गया। स्टार स्पोर्ट्स अगेन, यहाँ पर विराट कोहली को दोबारा से यहाँ पर टैग करते हैं, इट्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडियन टीम, मतलब टीम इंडिया फैन अहेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इजंट गिव अस अ क्लैप इफ यू कांट वेट फॉर लिव द गेम इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2020। मौका मौका ब्रॉडकास्ट, स्टार स्पोर्ट्स है भाई, इतनी बड़ी कंपनी हो के मौका मौका, मौके पे चौका पाकिस्तान ने मारा और तुम्हारी जो मारी है ना वो फिर इस लेवल पे जा चुकी है, ठीक है? इतने बड़े ब्रांड होके भी अगर ये इस तरह के चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है स्टार स्पोर्ट्स की जानब से, तो भाई बाकी लोगों का सोचो क्या होगा। यहाँ पर एक और कमेंट है जो के कहते हैं भाई, इन द 5 year रोहित शर्मा वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, 5 runs 394 एवरेज 98.50 100 353 ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो के ऑफिशियल फादर ऑफ हैं, समझ लो आगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जो कमेंट्स हैं ना कि पाकिस्तान के लिए अच्छे और ना ही आप लोगों के लिए अच्छे यार, क्यों इसको मतलब कि आप ऊपर वाले लेवल पे लेके जा रहे हो यार, लीव इट यार, क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक और कमेंट जो कि कहते हैं भाई, पाकिस्तानी फैंस राइट नाउ प्ले प्रे मतलब कि दुआ वगैरह करें भाई। ये तो था इंडियंस कमेंट, इंडियंस फैंस का पहले से एडवांस में बुकिंग की हुई थी अपनी जीत की, अब पाकिस्तानियों की बारी आती है जो कि उन्होंने रिप्लाई किया है आफ्टर मैच।